जब मैं रास्ते से आ रहा था तो पेट्रोल पंप पर एक दाढ़ी वाले की फोटो लगी हुई थी, वो ठग बुड्ढा जो देश को ठग रहा है, जो सिर्फ अपने मन की बात करता है, देश की जनता की बात नहीं करता है, जन की बात नहीं करता है। उसी तरह से हर दौर में कोई ना कोई ऐसा हुआ है जो सिर्फ अपने मन की बात करता है, और जो सिर्फ अपने मन की बात करते हैं उसको चैलेंज करने के लिए, उसको चुनौती देने के लिए हर दौर में जनता का एक शायर भी पैदा होता है। तो जनता के एक शायर पैदा हुए मिर्जा गालिब साहब, आज उनकी भी जयंती है। और मिर्जा गालिब कहते हैं कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टपका वो लहू क्या है। ये देश है, हम इस देश के निवासी हैं। इस धरती पर लाखों लोगों ने अपनी शहादत दे करके इस देश को अंग्रेजों से आजादी दिलाई। कल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 135 वर्ष पूरा हो जाएगा। 1885 में जब कांग्रेस पार्टी बनी थी तो कांग्रेस पार्टी का स्वरूप ऐसा था कि कांग्रेस पार्टी ऑफिस में चलती थी। उस कांग्रेस पार्टी को जो जननेता होते हैं, जो जनता के बीच में पलते बढ़ते हैं, उस कांग्रेस पार्टी को वो जनता के बीच में लेकर के आए। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मोहनदास करमचंद्र गांधी, जिग्नेश भाई, जब चंपारण के आंदोलन में आए थे, किसानों के आंदोलन में शरीक होने के लिए आपने मोहनदास भेजा था, हमने उनको महात्मा गांधी बना करके भेजा है। जब मैं आ रहा था तो एक पत्रकार ने हमको पूछा कि आपकी पार्टी से नेता छोड़ करके जा रहे हैं। हमने कहा साहब हमारी पार्टी में नेताओं की कोई कमी नहीं है, मंच देख लीजिए, नेता ही नेता है। हमारी पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है, हमारी पार्टी में कार्यकर्ताओं की जरूरत है। और जिस पार्टी में कार्यकर्ता होंगे वो पार्टी कभी भी नेता विहीन नहीं हो सकता है। और आप जो सामने बैठे हुए हैं जमीन पे लोग, आपकी वजह से हम हैं, हमारी वजह से आप नहीं हैं। अगर आपने ये संकल्प उठाया है कि आपको ये जो जिला है, इस जिला में कांग्रेस का जो गौरवशाली इतिहास है, उस इतिहास को फिर से दोहराना है, तो मैं आपको एक बात कह देता हूं, पूरे गर्व के साथ आपको यह महसूस करना चाहिए कि आप उस विरासत का हिस्सा हैं, आपने उसका झंडा अपने कंधे पे लिया है जो पार्टी इस देश को आजादी दिलाई है। कहते हैं ना, जाके पैर न फटे बिवाई, वो का जाने पीर पड़ाई। यहां माएं बैठी हुई हैं, बताइए माता जी, 9 महीना बच्चा को आप पेट में रखते हैं, आपके घर का जो मर्द होता है उसको आपकी प्रसव पीड़ा समझ में आती है, उसको बच्चा का दर्द समझ में आता है। इसीलिए कहते हैं कि जिन्होंने BSNL नहीं बनाया, जिन्होंने एयर इंडिया नहीं बनाया, जिन्होंने रेलवे नहीं बनाया, जिन्होंने पार्लियामेंट नहीं बनाया, जिन्होंने संविधान नहीं बनाया, जो इस देश की सड़कें नहीं बनाई, वो इस देश को बेच रहे हैं। ये लड़ाई सीधे तौर पर बेचने वाले और बचाने वालों के बीच में है। आप तय कर लीजिएगा आप किसके साथ खड़े हैं। हम बचाने वालों के साथ खड़े हैं। यह देश हमारा है, इस देश को हम किसी भी परिस्थिति में लूटने नहीं देंगे। मैं जब रास्ते से आ रहा था, एक पत्रकार ने मुझसे हंसते हुए पूछा कि उड़ीसा में तो BJD BJP का बी टीम है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, साहब उड़ीसा में BJP BJD का बी टीम नहीं है, उड़ीसा में BJD BJP का बी टीम नहीं है, BJD BJP का डी टीम है। पूछिए डी टीम कैसे है, BJP BJD तो डी टीम हुआ ना। आप, मैं तमाम कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि आज से उसको बी टीम नहीं कहिएगा, आज से उसको डी टीम कहिएगा। कौन सा टीम कहिएगा?
और यह बात मैं क्यों बोल रहा हूं, यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। प्रवृत्ति क्या है कि आप जिसको अपना जनप्रतिनिधि बनाते हैं उस जनप्रतिनिधि की कोई पूछ नहीं है, जनप्रतिनिधि सरकार चला ही नहीं रहे हैं। सरकार कौन चला रहे हैं? मुख्यमंत्री जी के दोस्त। और अभी एक वक्ता ने बातचीत करते हुए कहा, मुझे थोड़ी थोड़ी उड़िया समझ में आती है, मैं आपके मुख्यमंत्री से ज्यादा बेहतर हूं, मुझे थोड़ी थोड़ी उड़िया समझ में भी आती है। वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं इतने साल से, ये सवाल उनसे पूछना चाहिए कि आप प्रदेश को कहां ले जा रहे हैं, आप प्रदेश के अंदर कौन सी परिस्थिति पैदा कर रहे हैं। और कहते हैं क्या कि जिसको बाल बच्चा नहीं होता है ना वो चोर नहीं होता है। भाई इससे बड़ा कोई झूठ नहीं होता है। मैं इस देश की जनता से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि जो अपनी पत्नी छोड़ दे, जो अपना घर छोड़ दे, जो घर नहीं चला सकता है वो देश चला सकता है क्या? इस भ्रम से बाहर आ जाइए, इस भ्रम से बाहर आ जाइए कि जिसका कोई नहीं होता है, जिसका बाल बच्चा नहीं हो, जिसकी पत्नी नहीं हो तो वो चोरी नहीं करता है। तो मुझे बताइए, अंगुली माल डाकू का बाल बच्चा था क्या? अंगुली माल डाकू की शादी हुई थी क्या? तो अंगुली माल डाकू डाकू था कि नहीं था? ये क्या पैमाना है भाई कि कोई इंसान शादी नहीं किया है तो वो ईमानदार होगा? तो आप तमाम लोग जो यहां बैठे हुए हैं शादीशुदा है कि नहीं है? शादीशुदा किए हैं ना, तो क्या आप सब लोग बेईमान हैं? ये क्या बात है? ये सच नहीं है, ये सच हमको बेचा गया है। ये सच हमको उसी तरीके से बेचा गया है जिस तरीके से टीवी पे बेचा जाता है कि फेयर एंड लवली लगाने से मुंह गोरा हो जाता है। क्या अगर लोग फेयर एंड लवली लगा करके मुंह गोरा हो गया हमको बताइए तो जरा। अब मुंह गोरा होना कौन जरूरी है? ये जगन्नाथ की धरती है, ये जगन्नाथ की धरती है ना, तो कृष्ण तो काले थे ना। मेरा नाम कन्हैया है। कृष्ण का वर्ण श्याम था कि नहीं? कृष्ण काले थे कि नहीं? तो फेयर एंड लवली लगा करके मुंह गोरा करने का कौन जरूरी है? ये बात हम तमाम लोगों को समझना है कि आज हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है अंग्रेजी में कि ये पोस्ट ट्रूथ है। पोस्ट ट्रूथ का मतलब क्या है कि सच का जमाना नहीं है, झूठ का जमाना है। और झूठ बेचा कैसे जाता है? पेट्रोल पंप पे पोस्टर लगा करके, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। झूठ बेचा कैसे जाता है कि भारत की सरकार ने प्रचार पे 5,000 करोड़ रुपया खर्च किया है। कितना करोड़? 5,000 करोड़। 5,000 करोड़ रुपया अगर इस देश के नौजवानों को दिया जाता तो वो कोई रोजगार करते, कुछ काम करते, कुछ धंधा करते, कुछ बिजनेस करते और देश के विकास में अपना योगदान करते। 5,000 करोड़ इस देश की जनता को नहीं दी जा रही है, प्रचार करने के लिए पोस्टर लगाया जा रहा है। तो एक बात बताइए कि अगर पोस्ट ट्रूथ का जमाना है तो कटहल के पेड़ के नीचे खड़ा होकर के 1,00,000 बार बोलेंगे आम है आम है आम है तो कटहल आम हो जाएगा? आम होगा क्या? सच सच होता है और सच को कोई छुपा नहीं सकता है। और आज हम ऐसे दौर में हैं कि सच बोलने वाले लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा करके यूएपीए लगा करके उनको जेलों में भर दिया जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि दो देश की सबसे पुरानी पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका हाथ इसलिए मजबूत नहीं करना है कि हमको किसी को प्रधानमंत्री बनाना है। इसका हाथ हमको इसलिए मजबूत करना है कि हम एक ऐसा प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं जो सिर्फ अपने सूट का, अपने बूट का और अपने दोस्त का नहीं, जो देश का ख्याल रख सके, जो यह बात लोगों को बता सके, समझा सके और इस देश को इस रूप में बचा सके कि इस देश के अंदर चाहे टीका लगाने वाला हो या टोपी पहनने वाला,
चाहे पूजा करने वाला हो या नमाज अदा करने वाला, चाहे दलित हो या आदिवासी, महिला हो या पुरुष, चाहे सिपाही हो या गृह मंत्री, चाहे एसपी हो या डीआईजी, चाहे साइकिल पर चलने वाला हो या फॉर्चुनर पर चलने वाला हो, हेलीकॉप्टर पर चलने वाला हो, यह देश हम सबका है और सबको बराबरी का अधिकार हमारे देश के संविधान ने किया है। और इस बराबरी के अधिकार को जो हमसे छीनेगा, तो उनको मैं कह देना चाहता हूं कि हम उन पुरखों की विरासत को लेकर के चल रहे हैं। अगर हम 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी से इस देश को आजादी दिला सकते हैं, तो हमारी आज की आजादी छीनने वाली इस नई सरकार को भी धूल चटा सकते हैं। यही संकल्प आज लेने की जरूरत है। और इसी संकल्प के तहत एक आखिरी बात बोल करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक बात याद रखिएगा, कोई भी मंजिल पे पहुंचने के लिए पहले कदम की जरूरत होती है। सामने जो बिल्डिंग बना हुआ है, उस बिल्डिंग को एक एक ईंट को जोड़ने से बनाया गया है।